मुझे कहाँ से आए तुम्हें? मुंबई से। मुंबई से? अच्छा जी, क्या है अम्मा को? कैंसर है। कैंसर है? स्टमक कैंसर है। अच्छा जी, अच्छा जी। डॉक्टर क्या बोलिया? फोर्थ स्टेज है बोल रहा है डॉक्टर। फोर्थ स्टेज है क्या? कीमो में दिए है, थोड़ा असर हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। अच्छा जी, अच्छा जी। वजन कम हो गया, 40 किलो हो गया। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी। इंशाल्लाह मैं कैसा बोलता हूँ, ऐसा 4 महीने उनको बराबर ट्रीटमेंट ले दिया लो। 4 महीने पहले कैसे थे ऐसे हो जाते इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बना लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, झूठे पे अल्लाह की लानत है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये पहले यहाँ पकड़ लो, बात पकड़ो थे पहले वीडियो बनाओ। झूठे पे अल्लाह की लानत है। 30 साल पहले मेरी बीवी को यहाँ घांटी आई थी, और यही शिमोगा का डॉक्टर जो है दुर्गा दबेल का मशहूर डॉक्टर, इलाज को जाने में क्या बोलिया, 8 दिन में मर जाती, घर को लेके आओ दवा नको, इनको जिसम में कैंसर फैल गया। जब हम जोर मरद रो लेके आए थे, हमारी माँ हकीम थे, मैं जड़बोटियों को मानता नहीं था। मेरे माँ पूछे क्या बोले, ऐसा कैंसर है, 8 दिन में मरते गया डॉक्टर, दवा दिया नहीं, घर को भेजा कर। हमारे माँ हंसे, हंस को बोले आधा डर को मर गई अब तेरी जोरो, आधा वो डॉक्टर के इलाज में मर जाती है, कराने गए तो भी। मैं जड़बोटियों का पानी बना के देती हूँ, पिलाओ बहुत अच्छे होते हैं, बना को दिए पिलाए, 30 साल को भी आज मेरी बीवी अच्छी है। कैंसर कोई बीमारी नहीं, बोलने का मतलब कैंसर क्या है, पहले खून गाढ़ा होता है, खून घाटियाँ होता है, वो अच्छे जरासीम कम हो जाती और गलीब जरासीम बढ़ जाती, वो गलीब जरासीम को मारने के वास्ते कीमो देती, वो अच्छे जरासीम भी मर जाती। कीमो लिए सर का इंसान एकदम कमजोर हो जाता है, इसलिए अब मैं कैसा बोलता हूँ ऐसा कर लियो, 4 महीने में रेडी हो जाते। अब 4 महीने उनको गोश्त मच्छी अंडा ये देना नहीं, और 4 महीने उनको और दूध का आइटम क्या भी देना नहीं, और उनको क्या करना, गर्म पानी ही देना, पीपल का पत्ता, घोकरू के काटे, और शंबालू का पत्ता मिल गया तो थोड़ा शंबालू का पत्ता डाल लियो, और पुनर्नवा मिल गया तो थोड़ा पुनर्नवा भी डाल लियो, इसे ठिकरी की भाजी बोलते, वो पानी पकाना, शाम सुबह से शाम तक वो पानी पिलाना, वो पानी पकाए स्टम्पो 1 चमचा कलौंजी, 1 चमचा मेथी और 1 चमचा हल्दी डाल लियो, और दाल को अंजीर 1 केजी अंजीर लेकर रख लियो, हर महीना 1 केजी अंजीर, और सुबह को दो, दोपहर को दो, शाम को दो, वो पानी में पकाना, और पका को अच्छा गला को वो अंजीर खला को पानी वैसे ही पिलाना। ऐसा कर लिया तो 4 महीना में इंशाल्लाह कैंसर जड़ से खत्म हो जाता है, यानी खून पूरा पतला और पाक हो जाता है। खून पतला और पाक होगा तो बीमारी खत्म होगी मेरे दोस्तों भाइयों। और दूसरी बात क्या है, और ये कलौंजी का कषाया, ये कलौंजी का कषाया 200 जड़बोटी का पानी है, ये शाम को 1 चमचा एरंडी का तेल डाल को, सुबह को खोपरे का तेल, दोपहर को जैतून का तेल, कप में ले लेना, एक आधे कप में हला को पी लेना, और दूसरे टाइम पर 1-1 घुट, खाली 1 घुट, आधे घंटे को एक घुट ये पीना कषाया, और पीपल के पत्ते का पानी 1 घुट, ये 1 घुट पीपल के पत्ते का पानी 1 घुट, और पपई आधे घंटे को एक पपई का पीस, अच्छा पक्को है तो अच्छा, वो पपई के बींजा ले लियो, पपई के बींजा इकट्ठा कर लियो, पपई बेचने वाले रहते उनके पास जाके बींजा इकट्ठा करो, सुखा को पाउडर बना लियो, एक आधा आधा चमचा गर्म पानी में देते रहना उनको सुबह को शाम को, पपई के बींज इंशाल्लाह, और सुबह को जो है वो पीपल के पत्ते का रस निकाल को 1 चुटकी हल्दी डाल को देना, फिर आधे घंटे के बाद सुबह को खाली पेट में और नीम के पत्ते का रस निकालना, 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल को पिलाना, फिर आधे घंटे के बाद आंवले का रस निकालना, आंवले का हल्दी 1-2 चुटकी डाल को पिलाना इंशाल्लाह, सुबह को और शाम को 2 टाइम भी कर डाले तो इंशाल्लाह 4 महीने में रेडी हो जाती है। और जब भूख लग रही है बोलो तो खाना दियो, जबरदस्ती से खिलाओ उनको,
ठीक है, तो ये पिए तो एक गुट पिए तो चार रोटी या गोश्त खाने का पावर मिलता है, ताजे रहती, फिर भी भूख लग रही है तो मरकिन के आटे की कोई चीज देना नहीं, मैदे के, हाँ जो बेकरी आइटम ब्रेडा बन्ना रक्षा ये सब भी नहीं देना, मरकिन के आटे का आइटम नहीं देना। और दूसरा उजला नमक का कोई आइटम उनको देना नहीं, काला नमक इस्तेमाल करना, और शक्कर का आइटम बाहर का भी नहीं घर में पका को भी नहीं, शक्कर का आइटम कोई देना नहीं, गुड़ में जो भी पका खिलाती गुड़ में पका खिलाना, इंशाल्लाह ऐसा कर लियो। और रोज मसाज करना उनको, हाथा पावा मसाज करना शाम में सोने के टाइम पर, हाँ शाम में सुबह में दो टाइम भी कर लियो, ऐसा उंगलियां खींच खींच को करना, ऐसा उंगलियां खींच खींच को करे तो पूरे नसा फ्री हो जाती, खून पतला और पाक हो जाता है। और आठ दिन में एक बार पूरी बॉडी का मसाज करना, कभी फली का तेल, कभी तिल का तेल, कभी राया का तेल, कभी अरंडी का तेल डालते रहना, अच्छा मलते रहना पूरा अंग, हफ्ते में एक बार पूरा खून पतला और पाक हो जाता अंदर, इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो जाती है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कर लियो, सारे बीमारियों से अल्लाह निजात दिलाता है। और घर की मैं एक दवा बोलता हूँ, बना लियो घर में, पौ के जी लहसुन का रस थोड़ा पानी डाल के छिलके मिक्सी में डाल के निचोड़ के निकालो, और पौ के जी अदरक का रस उसे पानी डालना नहीं, पौ के जी नींबू का रस उसे पानी डालना नहीं, और पौ के जी सेब का सिरका दुकान में मिलता है हैप्पल मेडिकल ले लो, और एक किलो हुआ पूरा उसमें एक 10 ग्राम पान डालो काले पान, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम चकला और 10 ग्राम इलायची, 10 ग्राम काली मिर्ची, 10 ग्राम कलौंजी, 10 ग्राम मेथी, और दाल को अच्छा पकाना, एक किलो को आधा किलो बनाना, आधा किलो बना को ठंडा कर ले को, आधा किलो शहद डालना प्योर शहद, जंगली शहद कंपनी की नहीं, जंगली बारीक मक्खी की शहद, आधा किलो शहद डाल को कांच की बॉटल में रख लेना, सुबह को एक चमचा शाम को एक चमचा गर्म पानी के साथ, इंशाल्लाह देते रहे तो अंदर का पूरा कैंसर खत्म होते रहता है, हाँ इंशाल्लाह, सुबह को एक चमचा शाम को एक चमचा। तो घर में दूसरे एक एक चमचा लियो अच्छे आदमियां भी, और बच्चों को भी आधा आधा चमचा दियो, आइंदा चल को लखवा मारता नहीं, हार्ट अटैक आता नहीं, कैंसर आता नहीं, ऐसे सारे बीमारियां से बच जाती, एक दवा होगी। और दूसरा एक पाउडर बोल तू बना लियो घर में, 200 ग्राम धनिया कोथिमीर बीज, 200 ग्राम धनिया और 200 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम अर्जुन की छाल, एक 200 ग्राम अलसी के बीज, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम चकला, 100 ग्राम अजवान, एक 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी और एक 5 ग्राम काला नमक, 1 ग्राम हींग लेको भुनको पाउडर बना लेना, पाउडर बना लेको सुबह को एक चमचा डालना, एक गिलास पानी में, बड़े गिलास पानी में एक चमचा डालना, थोड़ा पुदीना अदरक की थोड़ी हल्दी डालना और पकाना, गुड़ डाल को पका को चाय की तरह दे डालना, सुबह को शाम को दो टाइम नाश्ते के बाद शाम को खाने के बाद दे डाले तो एसिडिटी की बीमारी गैस्ट्रिक की बीमारी इससे सब से बच जाती इंशाल्लाह, पूरे दर्दान चले आती, यानी खून पतला और पाक हो जाता है इंशाल्लाह। ये दो दवाएं हमेशा बना लेना महीने में एक बार, हमेशा के लिए लॉन्ग लाइफ। और अपने पड़ोसियों को भी सिखा लो, अपने रिश्तेदारों को भी सिखा डालो, इंशाल्लाह हर बीमारी दफा हो जाती है। तो इंशाल्लाह और कुछ पूछ लेने का है, कुछ पूछ लेने का पूछ लो, नहीं हाँ किमो के साथ ही जो कैसा सुधर लेकर आती है उसे किमो को बंद करो, कोशिश करो किमो नहीं देने की कोशिश करो, हाँ इंशाल्लाह डर छोड़ डाले तो बीमारियां चल गए, जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह बोल गया, अल्लाह वाले डरते नहीं अल्लाह वाले मरते नहीं, मुझे 8 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर मरने के लिए, डरिया रहता तो 26 मर जाता मैं, हाँ आज 18 साल हो गए अभी तक 8 दिन आई नहीं, और मेरी बीवी 30 साल से जिंदी है 8 दिन में मरती डॉक्टर बोल जाता तो, इसलिए डरना नहीं, डरे तो खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़ा हुआ तो घंटियां होती, घंटियां हुए तो उसे कैंसर को डॉक्टर नाम देता है, डरना नहीं और ज्यादा सोचना नहीं, हंसते ज्यादा सोचे तो भी खून गाढ़ा होता है, और गुस्सा भी नहीं करना,
कैद तो भी हम तो गुस्सा नहीं करना, हंसते खेलते रहना, खून पतला और पाक रहता हमेशा। ये तीन चीज कर लियो इंशाल्लाह कोई बीमारी आती नहीं इंशाल्लाह। तो अल्लाह कुरान में फरमाया वस्तईनु, अल्लाह से मदद लियो, बि सबरी सबर के साथ, वसलात सर झुका को, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह तुम्हारे साथ रहता है। अल्लाह जिसके साथ रहता है उन्हें कभी डरता नहीं, उन्हें हमेशा खुश रहता है कि कायनात का मालिक मेरे साथ है। बल्कि फिर अल्लाह और एक जगह फरमाया वो इन्नहा ला कबीरतुन, ये बहुत बड़ी चीज कहा, सबर और नमाज। सबर पढ़े सबर करया तो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़े तो सबर नहीं करता, दो भी होना, सबर भी नमाज भी, ये बहुत बड़ी चीज कहा अल्लाह। किसे बहुत बड़ी चीज? ये आठ दिन के मुसलमान को बहुत बड़ी चीज। जुमा में मुसलमान बनता है, हफ्ते में मुनाफिक बन जाता है, नहीं तो रमजान आया तो मुसलमान बनता है। अब देखो रमजान आ रहा है, कितने आदमी मुसलमान बनते हैं, रमजान जाते ही फिर मुनाफिक बन जाते हैं। ऐसा को बहुत बड़ी चीज कहा अल्लाह, वह इन्नहा ला कबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, खाशीन को बड़ी चीज नहीं। खाशीन कौन? अल्लदीना याज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम वो अन्नहुम इलैहि राजून। खाशीन लोग अल्लाह को देखने की चाहत रखते, अल्लाह को मिलने की आरजू रखते। जैसे रसूल करीम सल्लम रात में उठकर तहज्जुद पढ़ते और अल्लाह से बातें करते, अल्लाह तू कैसा है, अल्लाह अल्लाह मुझे कब बुलाता सो, मैं कब तुझे देखना सो, तेरी जन्नत को कब देखना सो, बात करते थे अल्लाह के रसूल। ऐसा हमें भी बात करना अल्लाह से, डरना नहीं मौत का तकमान, डरना नहीं कि को तभी पैदा हुआ है सोचे खाली दुनिया देख ले को जाने अल्लाह के पास। अल्लाह को देखने की चाहत में जीना, अल्लाह को देखने की चाहत में जो जीता है उनको बोलते सो खाशीन। बोल को खाशीन बजाओ, यहाँ भी मजे में वहाँ भी मजे में इंशाल्लाह। बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है। हर दिन 9 बजे 10 बजे 11 बजे आता रहेगा, सुबह को सीखते रहो और उनको सिखाते रहो। और ये कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया, ये शिमोगा से मंगा लो 9343560908। मालूमात कर लेने के लिए 9880345330 इससे मालूमात कर लियो। और मुझे बात करना तो हर दिन 7 बजे से 9 बजे तक 3-3 लाजियां का टाइम रहता है। कौन से जड़बोटियां खाए तो क्या खाए तो बीमारियां पकड़ते नहीं, बोलता हूँ रिकॉर्डिंग के साथ बात कर लियो। इंशाल्लाह मुझे मिलने का रहा तो 1 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटक शिवमोगा अशोकनगर सवेन किरा चैनल एरिया बसवर्णा की दुकान के सामने, फोन कर को नाम लिखा खाना, और होटल में खाना नहीं, यहाँ खाना रेडी रहता है, आना खाना सिकले को जाना, सिखाने के वजह से बैठी हूँ तो इंशाल्लाह। और दूसरी बात, यहाँ जबरदस्ती से देते नहीं, होना को तो देती नहीं तो खाली सिखा के बेचती, ये व्यापार नहीं है, ये कमाने तिजारत को नहीं बैठी, ये तुम ना सिखाने बीमारियों से बचाने, यहाँ कोई भी रिश्वत लंचा पूछने आना नहीं, रिश्वत लंचा पूछना है तो आते आते एक्सीडेंटों को मरती, जाते आते एक्सीडेंटों को मरती, नहीं तो हार्ट अटैक आके मरती। कर भला होगा भला, अंत भले का भला, किया बुरा होता है बुरा, अंत बुरे का बुरा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, बीमारियों से बचा रहा है, उनका साथ देना, सपोर्ट करना, परेशानी नहीं देना, उनको टेंशन में नहीं डालना। टेंशन में डाले बस्सा में की लारिया में की मिलको कुत्ते की मौत मर को जहन्नम को जाती। अच्छा याद रखो, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।